दिल छोड़ आए। वश्मा, वश्मा, वो कहाँ चली गई वश्मा? वश्मा, वश्मा मेरे को मजाक पसंद नहीं है, किधर है? वश्मा, वश्मा, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वीर हम दोनों को मिलाना चाहते हैं। विश्वास भी मत करिएगा वीर पे आप, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके इस इरादे के पीछे जरूर कोई इरादा छुपा है। अमरू, रणधीर, उधर वीर जी, वो वीर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो बेकार में ही मुसीबत आ जानी है हम सब पर। मुझे मालूम है, मुझे ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन लेकिन मैं कब से वश्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वश्मा मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। क्या गायब हो गई है? हाँ। क्या मतलब है कि गायब हो गई है वीर जी? अमरू, मैं नहाकर बाहर निकला ना, मैं तब से वश्मा को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही। मेरे पास तुम दोनों के पास आने के बजाय कोई उदय, तुम फिक्र मत करो, हम वश्मा को ढूंढते। चलो चलो चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, चलो। वश्मा, 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 उधर वश्मा, वश्मा, कौन है ये वश्मा? किसे ढूंढ रहे हैं आप? आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? रणधीर, हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन है ये वश्मा? जी वो हम रानीमा वश्मा। आपकी बहू की सहेली और इनकी मंगेतर है वश्मा, और माफ कीजिएगा, हम इन्हें थोड़ी देर अपने साथ ले गए थे, सोचा राजमहल के चक्कर लगवा दें। वीर साहब, वो तो ठीक है, लेकिन है कहाँ वश्मा? मैं कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं दिखाई नहीं देनी है, कहाँ है वश्मा? आपके सामने तो है। सहेली से मिलकर वापस जाने की जिद कर रहे थे, हमारे खास निवेदन पे यहां कुछ दिन रुकने को तैयार है आपकी वश्मा। रणधीर, आप हमारे साथ आइए, पत्रकार सम्मेलन की तैयारियों को लेके आपसे कुछ चर्चा करनी है, आइए। जी माफ करना उदय, तुझे वो बिना बताए चली गई, पर इन्होंने कहा कि देखते हैं आपके उदय आपको पहचान पाते हैं कि नहीं, तो बस इनके कहने पे इनके साथ चली गई। बिल्कुल, क्योंकि इनका सबसे बड़ा डर क्या था कि लोग इन्हें पहचान जाएंगे, हमने इनकी पहचान ही बदल दी। अरे जब आप एक पल के खुद नहीं पहचान पाए तो बाहर वाले क्या पहचानेंगे। आप दोनों को डर के जीने की कोई जरूरत नहीं है, और आप अपने अतीत को भूल जाइए, हमें अपना बड़ा भाई मानिए, इस महल को अपना, और आप दोनों अपने प्यार की पतंग उड़ाइए। लगता है अपने प्यार करने वालों को मिलाने की कसम खा रखी है, पहले अमृत और रणधीर और अब मैं और उदय। समझ में नहीं आ रहा आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं।
कैसे अदा किया जाए हमारा शुक्रिया? फटाफट ये बताइए, शादी करेंगे आप दोनों? शादी? और भानु वीर जी और भजाई जी से क्या कहेंगे हम? उन्हें वशमा के अतीत के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, पर उन्हें कुछ तो बताना ही पड़ेगा। भानु वीर जी और भरजाई जी सवाल पूछेंगे तो क्या कहेंगे उन्हें? कहाँ थी वशमा इतने दिन? कैसे हुआ सब? कैसे मिली वशमा? क्या कहेंगे? अब अगर हम ऐसा समझे कि वशमा हमें अब तक मिली नहीं, तो क्या मतलब? गुड आइडिया, अब मिलेंगी, सबसे मिलेंगी, लेकिन अलग अलग मिलेंगी। और किसी को शक नहीं होगा कि उदय और वशमा एक दूसरे से पहले मिल चुके। अलग अलग मिलेगी मतलब कैसे होगा ये सब? वो अब हम पे छोड़ दीजिए। बहन माना है, भाई का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। क्या कमाल का बंदा है, पर इसमें इतना बदलाव आ कैसे गया? तो सबसे पहले अपने भाई की बारात ले जाने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे पास एक प्लान है और हमारा ये प्लान तुमको जीतने में हमारी मदद करेगा, तब जाके हमें समझ पाओगी तुम। शायद मैं इन्हें सचमुच गलत समझ रही थी। वीर सच में बदल गए। सचमुच वशमा को उदय वीर जी से और मुझे अपने प्यार रणधीर से मिलाना चाहते हैं। हमारे पास इन दोनों के लिए प्लान है। हम वशमा को मंदिर ले चलेंगे और वहां पे किसी बहाने से सरोज और भानु को भी बुलाएंगे। वशमा उनसे अचानक मिलेगी और हैरान होने की एक्टिंग करेगी। और आपको प्रार्थना नहीं करनी है रानी मां की जीत की, तो वहां पे वशमा भी भानु से मिल लेगी और हम रानी मां की जीत की प्रार्थना भी कर लेंगे। एक पग दो कच, डन। मंदिर वाला प्लान फिक्स फाइनल। माफ करिए बहन जी, भानुवीर जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वशमा। वशमा? वशमा तू कैसी है? बस अब तक हालातों से लड़ रही हूँ। ये बताइए आप कैसे हैं? घर पे सब लोग कैसे? घर पे सब चंगे हैं। ये सरोज। परजाई जी कितने सालों बाद मिल रहे हैं। अरे मुंह पोछ ले, सरोज के सूट से तेरे मुंह पे चमकी लग गई। अच्छा ये बताइए उदय कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उदय भी बढ़िया है, वो यहीं आया है। वो देख वो आ रहा है। वशमा? उदय? वशमा तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, ये बता तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। वशमा? अमृत? वशमा कैसे है तू? वशमा कहाँ चली गई थी? कितना ढूंढा तुझे। शुक्र है भगवान का कि हम यहाँ मंदिर में आ गए और हमें वशमा मिल गई। देखिए ना भानुवीर जी, हमें हमारी वशमा, उदयवीर जी की वशमा मिल गई। अब हम वशमा को कहीं नहीं जाने देंगे, है ना? हाँ बिल्कुल अमृत। और अब जब उदय और वशमा मिली गए तो जितनी जल्दी हो सके हमें इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। क्या कहते हो भानु? वैसे भी तुम तो इन दोनों के बारे में सब कुछ जानते ही हो। तुम्हें बोला है किसी ने बीच में बोलने के लिए? ये हमारे घर का मामला है, हम सुलझा लेंगे। किसी बाहर वाले की सलाह की जरूरत नहीं है हमें। परछाई जी आप रणधीर से ऐसे बात क्यों कर रही हैं? आपको रणधीर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगे। अमृत तुझे भी अपनी परजाई जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। रहने दो जी, इस पे भी फिलहाल रणधीर रायजादे का रंग चढ़ा हुआ है। पर गलत क्या कहा है रणधीर ने वीर जी? हमें उदयवीर जी और वशमा की शादी करवा देनी चाहिए ना? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? हमने अक्सर इन दोनों के बारे में सुना है अमृत से, और दो प्यार करने वालों को मिलवाना मतलब बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है।
और ये बुनिया का काम हम करना चाहते हैं। शादी होगी और कल ही होगी। किसी को कोई एतराज? ये हमारी इच्छा है, क्या आप हमारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी बात को हम मना कैसे कर सकते हैं? गुड, अभी संभाल के। भाभी, तुमने गोबर में धक्का दिया मुझे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? भाभी, मैंने आपको धक्का नहीं दिया। अमृत के कहने पर मैंने तुमसे माफी नहीं मांगी तो उसका इस तरह से बदला लोगे तुम? लेकिन भाभी, मैंने ये आप क्या कह रही हैं? आप गलत समझ रही हैं। हम रणधीर को अच्छी तरह जानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वीर साहब, आप इसे जानते नहीं है। जितना ये जमीन के ऊपर है ना, उससे कई ज्यादा जमीन के अंदर है। कोई बात नहीं, अब ऐसा भी ना कहो आप। हाँ परचाई जी, रणधीर जानबूझकर ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ तुम तो कहोगे ना। जो भी हुआ है गलती से हुआ है, तमाशा मत बना। हम सब वापस चलते हैं, रानी माँ इंतजार कर रही होंगी। समय से भी पहुंचना है। चलिए आइए। ऐसी चमकी तो सरोज भाभी के कपड़ों पर है और इस बॉटल पर भी जो वीर ने मुझे दी। इसका मतलब वीर ने ही सरोज भाभी को धक्का दिया था और इल्जाम आ गया मेरे सर पर। क्या हुआ छोटे भाई? छोटा भाई कहते हो और पीठ पीछे चुरा भोकते हो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं वीर के सरोज भाभी को धक्का तुमने दिया था। बताओ क्या खेल खेल रहे हो तुम? कभी तुम मुझे और अमृत को मिलाने की बात करके तुम अमृत का विश्वास जीतना चाहते हो, तो कभी मेरे बजाय खुद उदय वशमा की मदद करके उनकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हो। बोलो क्या षड्यंत्र चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बोलो, नहीं तो मार डालूंगा मैं तुम्हें। बोलो, मार दो हमें, मार दो। मैं कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा तुम पे। अगर दो प्यार करने वालों को मिलवाना सजा मौत है तो हमें मौत भी मंजूर है। मौत मंजूर है हमें। कर क्या रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया है आपका? अमृत, आप नहीं जानती इस आदमी के नाटक को। ये शुरू से बस शकी करते आ रहे हैं आप इस पर। अरे जो इंसान हमारी मदद कर रहा है, आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं उनके साथ? मेरी वजह से वो उदयवीर जी और वशमा की शादी करवा रहे हैं और आप? रणधीर हो क्या गया है आपको? वीर, रणधीर की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। गलती इनकी नहीं, अगर हम भी इनके जगह होते तो शायद यही गलती कर बैठते। हर इस दुनिया में इतने बुरे लोग हैं, इतनी बुराई है कि कोई अगर अच्छा ही करे तो यकीन होता ही नहीं है, भरोसा होता ही नहीं। तो तुम फिक्र मत करो, जरूर भरोसा होगा। जब तुम्हारी नजरों के सामने हम अपने मकसद में कामयाब होंगे, जरूर भरोसा होगा। हम जानते हमसे गलती हुई है। हाँ, हम अमृत और रणधीर को एक दूसरे से अलग करना चाहते थे क्योंकि हम अमृत को खुद के लिए चाहते हैं। अब पता ही हम क्या करें, नहीं देख पाएंगे अमृत को किसी और का होते हुए, देखो रणधीर का। आप अच्छी तरह जानते हैं एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है और वो तलवार हम है पापा। हमारी छोड़ी राजघराने के बारे में सोचिए पापा, राजघराने की इज्जत का क्या होगा? हमारे परिवार के बारे में सोचिए, रानी मां के बारे में सोचिए। अगर ये सच बाहर आ गया तो हमारे राजघराने की इज्जत चौराहे पे आ जाएगी, लोग मजाक उड़ाएंगे हमारे। दिल की बात तो ये है कि पहली बार आपके अलावा हमारी जिंदगी में ऐसा कोई आया है जो हमारे बारे में सोचता है, जो हमारे लिए हमारा ख्याल रखता है। मामा,
इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के आपसे आपसे वीर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। इतना बड़ा सच मैं रनी जी से नहीं छुपा सकता। मुझे उन्हें यह बताना पड़ेगा। और रानी मां हमें हमारे मंजिल तक कभी नहीं पहुंचने देगी। हाथ जोड़ते हम जोड़ते उनके पैर पड़ते पापा, बस आखिरी बार हमारी मदद कर दीजिए। और ये हमारा वादा है, इसके बाद हम कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। रानी माँ को राज दिलाने के लिए आपने कई बार राजनीति के लिए, हमें हमारा हक दिलाने के लिए एक बार के लिए। अब देरी किस बात की, मेहंदी शुरू करें? वीर, अपनी पत्नी से झूठ बोलकर मैं उन्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, लेकिन उनके विश्वास से ज्यादा मैं आपकी खुशी देखना चाहता हूं, कि आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है। और आप दोनों की खुशी के लिए मैंने फैसला किया है, मैं नलिनी जी को कुछ नहीं बताऊंगा। अमृत को आपका बनाने में मैं आपके साथ हूं वीर। बताइए क्या है आपकी योजना, मैं उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं वीर। वीरे, आखिर तेरा ब्याह हो ही गया वशमा के साथ? अरे नहीं नहीं उदय, पहले रानी माँ और विजेंद्र जी का आशीर्वाद लो। अरे नहीं नहीं, नहीं, नहीं। खुश रहो। अरे रे रे, माफ करना, गलती से गलती हो गई, जैसे उस दिन तुमसे हुई थी। ये क्या बदतमीजी है? रानी दीजिए, गलती से धक्का लग गया। आप इनका पक्ष लेना बंद कीजिए, हमें गलती और जानबूझ के किए गए में फर्क समझ में आता है। रानी माँ रहने दीजिए, वो क्या है ना कि कसूर भाभी का नहीं, मेरी अच्छाई का। लेकिन हर बार अच्छा बन के नहीं रहूंगा मैं। पापा, रणधीर ने सबके सामने सरोज को धमका के हमारा काम आसान कर दिया है। वैसे अच्छा ही है, अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आपने देखा ना, अमृत के साथ साथ वो रानी माँ की जिंदगी में भी हमारी जगह ले रहा है। आज रात को काम हो जाना चाहिए। हाँ पापा, इस बार हम नहीं हारेंगे। अमृत और रानी माँ दोनों को छीन के रहेंगे उससे। और इसी के साथ ही उत्तरी दिल्ली से श्रीमती नलिनी देवी ने ये चुनाव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रमाकांत सूर्यवंशी को पूरे 367 वोटों से हराते हुए जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको रानी। आपको भी, आपने हमारा बहुत साथ दिया है।
बधाई हो मां, हम और आप जीतने के लिए बने। नलिनी जी, मैं सोच रहा हूं चुनाव जीतने की खुशी में पार्टी अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना तो बनता है ना। मैं सोच रहा था अगर हमारा कोई खास आदमी एक अच्छा सा तोहफा लेकर जाए, रणधीर से बेहतर कौन होंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विजेंद्र जी, आपका क्या ख्याल है रणधीर? आप जी रानी मां, जैसा आप कहें, मैं अभी निकल जाता हूं। आह छोटे भाई, कितना जच रहा है आप पे ये कलर। एक में स्कॉलर, वेरी नाइस, बढ़िया लग रहे हो। रानी मां, बस मैं यूं गया और यूं आया जी, चलता हूं। गलत, तुम गए तो गए, वापसी का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद। मैं अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयार हूं वीर सर। रणधीर रायजादा को कुंवर वीर प्रताप सिंह का आखिरी सलाम। इन बेकार की रस्मों में पता नहीं कितना समय बर्बाद हो गया मेरा, चुपचाप घर चलते हैं। समझ में आया? मिठाई के डब्बे तैयार हो गए? देखिए घर में शादी हुई है, रानी साहिबा चुनाव जीती हैं, सारा काम आपकी देखरेख में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, मैं देख लूंगा। तुम घर जाओ, मैं काम खत्म करके आता हूं, जरूरी है ये। आपने मुझे धक्का देके बहुत बड़ी गलती की परचाई जी। रणधीर, चल सारा काम निपट गया, जल्दी घर जाता हूं, सरोज मेरा इंतजार कर रही है। रणधीर कहाँ रह गए? बहुत देर लगा दी आने में। रानी मां, वीजी, भानु, ये क्या बदतमीजी है? मैं बताता हूं रानी मां कि इसे आने में इतनी देर क्यों गई। ये मेरे घर सरोज की इज्जत डूबने गया था। मैं जान से मार दूंगा। वीर जी, छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे मेरे को, छोड़ मेरे को, छोड़। अनु, रणधीर ने किया है ऐसा? मेरी इस हालत का जिम्मेदार ये है। मेरी
भाभी, इसने सरोज की इज्जत पे हाथ डालने की जुर्रत की है। भाभी ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अरे मैं जानता हूँ कि हमारे बीच गिले शिकवे जरूर हैं, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ और ये बात यहाँ पे सब जानते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तू से ऐसे बात करेगा? हाँ एक मिनट, शांत हो जाइए सब लोग। ये मामला बहुत संगीन है। सरोज जी ने रणधीर पर आरोप लगाया कि उन्होंने घर में घुसकर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मुझे इस मामले को समझ कर जांच करनी होगी निष्पक्ष, और शहर का डीजीपी होने के नाते मुझे अपने तरीके से तफ्तीश करने दीजिए, ताकि किसी के साथ कुछ गलत ना हो। सरोज जी आप उधर जाइए। सरोज जी, पूछते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन आपके पास कोई सबूत है कि जिसने आपके साथ ये किया वो रणधीर ही था? सबूत है मेरे पास। मेरी जैकेट का बटन, ये कैसे हो सकता है? फिलहाल सभी सबूत और हालात रणधीर को गुनहगार दिखा दें। मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा रणधीर। लेकिन जनाब मैंने कुछ नहीं किया है। चलिए जनाब, मैं आपसे पापा प्लीज। एक मिनट रुकिए रानी माँ, आप कुछ कहिए ना रणधीर, ऐसा नहीं। वीर हमें भी लगता है कि रणधीर बेकसूर है, लेकिन हम कानून के रास्ते में नहीं आ सकते। वीर रास्ता छोड़िए। अगर तुम्हें मारना है तो मारो, मैं कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा तुम पे। अगर दो प्यार करने वालों को मिलवाना सजा मौत है तो हमें मौत भी मंजूर है। मौत मंजूर है हमें। आपके तो कपड़े बिल्कुल खराब हो गए खत्म सिंह। कभी कभी दूसरों को रास्ते पे लाने के लिए खुद भटकना पड़ता है। अरे भाई कितना जच रहा है आप पे ये कलर। एक में एक में कॉलर सीधा कर दें। ये जरूर किसी की चाल है, फंसाया जा रहा है मुझे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.